नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हाथरस हादसे से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। हादसे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया है बाबा। मीडिया के सामने आया है बाबा और टीवी पर पहली बार आया है बाबा सामने। घटना के बाद से दुखी हूँ, ये कह रहा है बाबा साकार। घायलों के साथ मेरी संवेदना है। उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी। शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, पीड़ितों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। क्या कहा है बाबा साकार हरि ने, सुनवाते हैं आपको। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर। तो पहली बार मीडिया के सामने आया है बाबा साकार हरि, जो कि लगातार इस घटना के बाद से ही फरार था और पुलिस की टीमें उसे लगातार खोज रही थी। हालांकि ये दावा बार बार किया जा रहा है कि बाबा मैनपुरी आश्रम में ही मौजूद था और पहली बार मीडिया के सामने आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार बने हुए हैं। लेकिन विशाल, तब तक बाबा पर कार्रवाई मुश्किल दिख रही है जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते। पहला तो ये कि FIR में बाबा का नाम नहीं है, दूसरा ये कि पुराने जो मामले थे उनको भी पुलिस टीम ने खंगाला लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए, और तीसरा ये जो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात की जा रही है उसमें सीधे तौर पर आरोपी नहीं है बाबा। देखिए, यही सबसे बड़ी वजह है जो आपने कहा कि बाबा के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं है, और इसीलिए क्योंकि भगदड़ का कोई वीडियो नहीं है, बाबा की मौजूदगी का कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस की लापरवाही कहें, LIU की लापरवाही कहें, जो भी कहिए, लेकिन बाबा के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत जो है वो पुलिस के पास नहीं है। तो इसी वजह से शायद बाबा पर सीधे हाथ पुलिस डालने से बच रही है, क्योंकि बाबा जो है अगर हम बात करें तो भले ही वो आश्रम में हो या तमाम जगहों पर हो जो चर्चा चल रही है, लेकिन बाबा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से इसलिए भी दूर है क्योंकि पुलिस को ये पता है कि बाबा का सीधे इन्वॉल्वमेंट तभी प्रूफ हो पाएगा जब आयोजक सह आयोजक ये सब अपने बयान दें और इसके साथ साथ कुछ प्रूफ साक्ष्य जो है वो पुलिस इकट्ठा करे। और इसीलिए देखिए, कल जब मधुकर, अभी तक बाबा 2 जुलाई की घटना है और तब से लेकर अभी तक आज 6 जुलाई हो गई है, बाबा कल रात तक बिल्कुल खामोश रहा, बाबा ने कोई भी जिक्र नहीं किया, यहाँ तक कि एपी सिंह ने भी इस बातों को नहीं कहा कि बाबा जल्दी बयान जारी करेंगे। कल देर रात जब मधुकर गिरफ्तार हो गया तब बकायदा इस बात को लेकर वकील ने भी ये जो है बयान जारी किया कि बाबा जल्दी सामने आएंगे। मतलब पूरी सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत बाबा को सामने लाया गया,
ये भी तय किया गया कि बाबा की टाइमिंग क्या रहेगी बयान की, बदुकर की गिरफ्तारी के बाद तमाम जो लोग हैं वो जो तमाम जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, तमाम ऐसे बयान मधुकर और तमाम आयोजक दे सकते हैं जिसमें बाबा की संलिप्तता की बात आए, क्योंकि मधुकर ही मेन एक्यूज है, 1,00,000 का इनामी था, मेन आयोजक था। अगर उसके बयान से पुलिस को ये मालूम चल गया कि हाँ बाबा के ही कहने पर इतना बड़ा आयोजन किया गया था, बाबा के ही कहने पर सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई थी, बाबा के कहने पर ही वहाँ पर जो है सेवादारों ने मोर्चा संभाला था, पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल दिया गया था, बाबा का ही काफिला जब वहाँ से गुजरा तभी ये घटना हुई और बाबा मौके पर था और घटना के बाद फरार हो गया था, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बाबा की मुश्किलें बढ़ाएंगी। और इसीलिए बाबा ने आज देखिए आप जो बाबा घंटों प्रवचन देता हो और वो बाबा बाकायदा आँख नीची करके कागज पढ़ रहा है, उसमें जो है स्क्रिप्ट लिखी हुई वो पढ़ रहा है, और आप देखिए बकायदा वो पढ़ते हुए भी जो है इसमें जो है फंबल कर रहा है, उपद्रवी जो है को लेकर, उपद्रवियों को लेकर जो है उसके फंबल आ रहे हैं, इसके साथ साथ वो बार बार ये कह रहा है कि हमारी कमेटी के लोगों से वकील के माध्यम से बात हुई है। तो ये जो बयान है ये 3 तारीख को भी दे सकता था, 4 को भी दे सकता था, कल 5 तारीख को भी दे सकता था, लेकिन जब रात में गिरफ्तारी हुई है मधुकर की तब शायद बाबा को यह एहसास हो गया कि अब उसका बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाबा के ऊपर कार्रवाई हो सकती है मधुकर के बयान के आधार पर, और उसी के बाद क्योंकि देखिए अभी तक मौजूदा जो साक्ष्य है, FIR है, रिपोर्ट्स हैं, उनमें कहीं भी बाबा के खिलाफ कोई भी एविडेंस या किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि उसकी संलिप्तता। ठीक है विशाला, बने रहेंगे, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, BSP प्रमुख मायावती का बाबा पर निशाना। मायावती ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर साधा है निशाना, गरीब दलितों का अंधविश्वास के नाम पर शोषण, गरीब दलित बाबाओं के बहकावे में आ जाते हैं, पाखंडवाद के बहकावे में अपनी पीड़ा ना बढ़ाएं, बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चले। कह रही है मायावती, बाबा साकार हरि समेत सभी दोषियों पर कार्रवाई हो, ऐसे और बाबाओं के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है, सरकार को राजनीति स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार बने हुए। विशाल, ये बड़ी बातों का जिक्र कर दिया है मायावती ने, और पहली बार कोई पार्टी का नेता ये कह रहा है कि बाबा पर भी सख्त कार्रवाई हो। देखिए बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो जाटव बिरादरी से आती हैं और बाबा भी जाटव है, ऐसे में एक बड़ा बयान है ये, और ये बयान तब है जब बाबा खुलकर मीडिया के सामने आकर सफाई देता है, तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई नेता अखिलेश यादव, हर कोई जो है बाबा का बचाव करते हुए नजर आ रहा है, बाबा के ऊपर कार्रवाई को लेकर जो है तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि मायावती का ये जो बयान है ये सियासत में एक अपने आप में एक नया जो है ये कह सकते हैं घमासान लाएगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो दलित नेत्री कही जाती हैं और यहाँ तक कि दलितों के लिए जो है मसीहा कही जाती हैं और जाटो बिरादरी से ही आती हैं, और अपने ही बिरादरी के बाबा के ऊपर जिसका एक बड़ा जनाधार है, खासतौर से अगर पश्चिम यूपी की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस जो है बाबा के पास रहता है जाटों का, और इसीलिए शायद कोई भी दल, चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो बाबा पर सीधे अटैक नहीं कर रही थी, बच रही थी, लेकिन अब बसपा सुप्रीमो का एक बड़ा अटैक है, बाबा को जो है ढोंगी करार देते हुए या जो है ट्वीट किया गया है, बसपा सुप्रीमो का ये स्टैंड अपने आप में कहा जा सकता है कि नई सियासत को जन्म देगा, क्योंकि जहां एक तरफ लगातार दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति होती रही है, वहीं दूसरी तरफ बाबा पर सीधा अटैक बसपा सुप्रीमो का ये अपने आप में साफ कर रहा है कि अपराधी को अपराधी के तौर पर ही देख रही है, ना कि उसको वोट बैंक के तौर पर देख रही है, और शायद जिस तरह का जो डर कांग्रेस और सपा का रहा है कि डैमेज हो सकता है, ये संविधान के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस और सपा ने लीड ली है वो बाबा के ऊपर बयान देने से कहीं ऐसा ना हो कि डैमेज हो जाए, लेकिन बसपा सुप्रीमो जिन्होंने अपना जनाधार पहले ही खो दिया है वो अब फ्रंट फुट पर आ चुकी हैं और उन्होंने सीधे तौर पर बाबा पर अटैक किया है, उन्होंने बिल्कुल विशाल और सीधे तौर पर वो ये कह भी रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते इस पर ढीला नहीं पड़ना चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन भी हो। देखिए बिल्कुल यही वजह है कि देखिए पहला ऐसा नेता है, देखिए आप अगर आप रामगोपाल यादव का बयान देख लीजिए, राहुल गांधी का बयान देख लीजिए, अखिलेश यादव का बयान देख लीजिए, पहला ऐसा दल है जो खुलकर बाबा के विरोध में आया है, वो भी वो दल जो पहली बार कोई राजनेता ऐसा है जो कि खुलकर बाबा के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। विशाला बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन इस